हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, ये वीडियो हमारी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर होने वाली है। और वैसे मैंने आपको पूरी बुक क्लियर करवा दी है, बस एक फोर्थ चैप्टर ही रह गया था, यूनिट फोर्थ, उसको भी देखिए आज हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो यूनिट है फोर्थ, इसका नाम है कृषि वैश्वीकरण तथा विकासशील देश। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको एंड में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में एंड ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, और जितने भी वीडियो नहीं देखी सबका आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। फोर्थ चैप्टर है हमारा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा देर लगी बनाने में उसके लिए, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो मेन टॉपिक है वो है कृषि वैश्वीकरण तथा विकासशील देश। इसमें जो है कृषि यानी खेती, खेती वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी, किस तरह रहा, उसका प्रयोग क्या चीज़ रहा, उसमें ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, और विकासशील देशों पर क्या प्रभाव रहा वैश्वीकरण का, ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा चैप्टर बड़ा है, वीडियो देखते हैं कितनी बनती है फिलहाल। तो भी तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना भी है, 20 नंबर में ज़्यादातर बनता ही है बल्कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए 1980 और 1970 के दशक के दौरान, यानी 1970-80 दशक के दौरान जो है महत्वपूर्ण खुलेपन देखने को मिला। अधिकांश विकासशील देशों में खाद्य उपभोग का स्तर कृषि में अल्पविकसित था, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें थी इन सब चीज़ों का भी खुले तरीके से इनका व्यापार देखने को मिला। ठीक है, विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, दोनों के अंदर ही, क्योंकि कुल रोजगार और आय का बहुत बड़ा भाग किसी क्षेत्र, चौकी नहीं क्योंकि हो गए, ठीक है, क्योंकि कर लीजिएगा आप, चौकी भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, क्योंकि कुल रोजगार और आय का बहुत बड़ा भाग जो है वो कृषि से आता है, इसलिए इन देशों के उपभोक्ताओं के लिए कृषि का मूल्य खासा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कृषि आएगा, ठीक है, इसे काट दीजिएगा। कृषि का मूल्य जो है खासा महत्वपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि देखिए कृषि से ना एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आता है और बहुत ज़्यादा देशों में या फिर बहुत ज़्यादा जगह पे करी जाती है, इसलिए कृषि को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसलिए इस चैप्टर में हम कृषि के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और उपभोक्ता वो होता है जो हमारा सामान खरीदता है, ठीक है, उनके लिए कृषि का काफ़ी महत्वपूर्ण, उनके लिए कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वैश्वीकरण ने विकास के वाहक के रूप में कम विकासशील देशों में कृषि की भूमिका को बढ़ाया है। किसी ने कृषि होगा, यहाँ पर फ्रेंड लिखने में गलती हो रखी है कुछ, इसमें कृषि की भूमिका को बढ़ाया है जिसके द्वारा उनकी घरेलू मांग में तीव्र गति से कृषि उत्पादन संभव हो सका है। ठीक है, कृषि की मांग बढ़ी जिसके उत्पादन से जो है ना धीमे धीमे कृषि की क्षमता का विकास हो पाया है। ठीक है, इससे कृषि क्षमता में वृद्धि, इसको मैं कृषि ही कर देता हूँ, इससे कृषि क्षमता में वृद्धि के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है, जिससे कि जिससे लाभ कई गुना हुआ है, या जिससे लाभों में कई गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरह के लाभों के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, साथ ही गरीबी और भुखमरी से इस प्रक्रिया द्वारा निजात दिलाना है। यानी कि जो गरीब हैं और भुखमरी से जो देश मर रहे हैं वो कृषि के द्वारा ही इस चीज़ के द्वारा ही निजात दिलाया जा सकता है। ठीक है, 1980 के दशक में अधिकांश विकासशील देशों में आए आर्थिक मंदी तथा ऋण संकट से निपटने के लिए, ये हमने पहले पढ़ा था, 1980 के दशक में जो आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी उस समय की बात कह रहा है, तो उस समय दो संस्थाएँ थी, वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन दोनों के द्वारा लगाई गई कड़ी शर्त के कारण इनमें अधिकांश परिवर्तन आए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दोनों में ही काफ़ी कड़ी शर्त लगाई गई थी और इनकी वजह से ही कुछ चेंजिंग आई थी। ठीक है, इन सुधारों में क्या क्या हुआ, इन सुधारों का मुख्य केंद्र बिंदु जो है गरीबी विकासशील देशों के कृषि में आंतरिक तथा बाह्य वैश्वीकरण लाना था। कौन सी में, विकासशील देशों में, या विकसित नहीं सिर्फ विकासशील देशों में, विकसित देश जो पहले से ही थे उनके लिए नहीं बोला गई बात यहाँ पे, तो सिर्फ विकासशील देशों के क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य वैश्वीकरण लाना था। ठीक है, इसी क्रम में जो है उसमें एक वार्ता भी हुई थी, आपको पहले बताया था मैंने, जिसका नाम था उर्गेव दौर की वार्ता, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, इसमें आपको याद रखना ही पड़ेगा और भी
चैप्टर में, मतलब 2 चैप्टर में लगभग आया ही है नाम ये, इसलिए इसको जरूर लिखिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्ता है ये हमारी, ठीक है। इसके बीच जिसमें कृषि बहुपक्षीय तथा संस्थागत कृषि समझौता हुआ, इसमें जो है उर्गेव के अंदर ही, उर्गेव दौर वार्ता जो हुई थी उसके अंदर ही कृषि समझौता हुआ, ठीक है। बहुपक्षीय तथा संस्थागत दोनों तरीके का कृषि समझौता इसके अंदर ही हुआ, जिसने कड़ी शर्तों पर आधारित इस समझौते में विकसित देशों को लाभ की क्षमता प्रदान की, लाभ की क्षमता इन दोनों के द्वारा प्रदान की गई इसको, ठीक है। व्यापार संगठन के अधीन हुए इस बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था ने राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की संभावना पर जो है काफ़ी बुरा असर डाला, और इससे किसी ने फ्रेंड इसको काट दीजिए जरा, इसको कृषि कर देते हैं पहले, इसमें कृषि भी शामिल है जो गैट के अधीन छोड़ दी गई थी। गैट के अंदर जो है कृषि को शामिल नहीं किया गया था, पर इन दोनों के अंदर इसको कृषि को शामिल किया गया, ठीक है। गैट भी कृषि व्यापार पर लागू होते थे, गैट जो है संस्था थी, आपको पढ़ाया गैट के बारे में पूरा 5th चैप्टर के अंदर, 6th चैप्टर के अंदर है गैट के बारे में, 5th में है तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। परंतु इनमें कई कमियाँ थी, और इतना कुछ करने के बावजूद भी इसमें काफ़ी कमियाँ थी। उदाहरण स्वरूप जो है इसमें कुछ देशों की गैर उचित प्रशुल्क, प्रशुल्क यानी हमारा वो होता है टैक्स, ठीक है। गैर उचित प्रशुल्क जैसे आयात कोटा, आपने आयात कोटा पहले भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको आयात कोटा भी पहले, काफ़ी वर्ड जो है इसमें वही हैं जो पहले पहले आते गए हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें कुछ देशों को कुछ गैर उचित प्रशुल्क जैसे आयात कोटा और कृषि व्यापार सब्सिडी आदि के द्वारा ज़्यादा बंधा था, ठीक है। इन लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा बांधा था, इससे भी मुख्य रूप से सब्सिडी का प्रयोग है, और इनमें जो है ना मुख्य रूप से सब्सिडी का प्रयोग है, यानी कि कृषि करने के लिए विकासशील देश जो भी हैं वो कृषि करने के लिए सब्सिडी मुहैया नहीं करवाते हैं, जबकि जो देश विकसित हैं वो कृषि करने के लिए अपने किसानों को काफ़ी मात्रा में पैसे दे देते हैं सब्सिडी के तौर पर, ठीक है, जिससे उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, जो कि जो है सामान्य औद्योगिक उत्पादन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और उर्गेव दौर की वार्ता ने, यानी कि जो दौर था हमारा जिसमें वार्ता जो भी कह सकते हैं इसको, उर्गेव दौर की वार्ता ने कृषि क्षेत्र के संदर्भ में पहली बहुपक्षीय संधि का निर्माण किया। इसने जो है पहली जो संधि बनाई थी कृषि के लिए वो सबसे पहले इसने ही बनाई थी, जो कि लगभग 6 वर्ष की हेतु लागू किया गया, यानी कि 6 साल तक लगभग वो लागू किया गया, तथा विकासशील देशों के लिए यह अवधि 10 साल की थी, विकसित के लिए 6 की थी जाहिर सी बात है, और विकास के लिए 10 साल की अवधि इसकी रखी गई, जो कि 1995 से प्रारंभ हुई, जो कि 1995 से शुरू हुई थी, ठीक है। किसी पर उर्गेव दौर के समझौते ने जो कि 1990 के बीच हुआ, अब इससे यहाँ पता चलता है कि जो उर्गेव दौर है वो आपका 1990 के बीच में हुआ है, ठीक है, मध्य भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिसने कृषि क्षेत्र में, कृषि के सारे वर्ड गलत हो रखे हैं यहाँ पे, मैंने पर आपको बता दिए हैं जहाँ जहाँ गलत वर्ड हैं, ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जिसने कृषि क्षेत्र में अनेक अनुशासनों को लाया, यानी कि उर्गेव दौर ने जो है कृषि क्षेत्र के अंदर काफ़ी अनुशासन लाए हैं, जिसके परिणाम क्या हुआ कि विकासशील देशों की कृषि नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि विकासशील देश की जो कृषि थी उनकी नीतियों में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जैसे कि कृषि संबंधी समझौते में भविष्य में किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं लाने की बात की गई, यानी कि कृषि के बीच में कोई समझौता होता है जिससे कि आज हम सही हैं कल स्थिति खराब हो जाए, इस तरह के बंधन को लाने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। तथा विकासशील देशों की अधिवक्ताओं को इनके अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है, ठीक है, इनको मतलब उसके अनुरूप बनाने को जोर दिया गया कि किसी जिस तरह से मतलब रखी जा सके, जिस तरीके से करवाई जा सके, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का विकास, ये वैसे कृषि वैश्वीकरण का ही पॉइंट है कि 20 नंबर में आता है और काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर में, कुछ नहीं तो कम से कम आपको 5 से 7 पेज तो लिखने ही चाहिए, तो इसलिए मैं ईजी पॉइंट करके आपको दे रहा हूँ, और ये भी इसका ही पॉइंट है, ठीक है। अलग से लिखेंगे आप तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर, आप पॉइंट में लिखते हैं तो ज़्यादा भरता भी है पेज, ठीक है, घुसली मुसली खिचड़ी ना पकाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है।
तो कृषि का विकास, अल्प विकसित देश, जो भी अल्प विकसित देश थे उनमें तीव्र आर्थिक विकास के लिए, यानी तीव्र मतलब जल्दी से, जिनमें आर्थिक विकास के लिए भूमि का पुनर्वितरण एक आवश्यकता है। पुनर्वितरण मतलब वो हो गया जैसा जंगल काट के हम वहाँ पे खेती करते हैं, यानी कि उसका द्वारा खेती का यूज़ करना, पुनर्वितरण, ठीक है, एक आवश्यकता है जो कहीं भी पर्याप्त नहीं है। वह खेतों के लिए विकास की भूमिका में ही उपयोग है। यहाँ पे क्या बात आई है, वह खेतों के लिए यानी कृषि के लिए विकास की भूमिका में ही उपयोग है। सच बात यह है कि कई देशों में विकास के प्रश्नों पर आर्थिक विकास, जिनका अर्थ औद्योगिकरण लिया जाता है, कृषि को भी हम औद्योगिकरण कह सकते हैं, क्योंकि मशीनों द्वारा काफ़ी हद तक कृषियों खेतों में काम करवाया जा रहा है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, काफ़ियों का मालूम हो, काफ़ी को नहीं भी होगा, कि खुदाई भी मशीन से करवाई जाती है, नलाई मशीन से करवाई जाती है, और हार्वेस्टर से आपका बीज बोया जाता है, मिट्टी सारी भी मशीनों से करवाई जाती है, और बीज बोया भी मशीन से जाता है, और यहाँ तक कि बीज जो कटता है पेड़, वो धान मक्का बाजरा भी मशीनों से काफ़ी हद तक काट दी जाती है। तो इसमें इंसान का काम ही ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसको औद्योगिकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। या किसी इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है कि यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पर फिर भी इनको अलग अलग कहा जाता है, औद्योगिकरण को और कृषि को, ठीक है, कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, यह नहीं चल सकते। यह नहीं समझा जाता कि निर्माण उद्योग, संचार, परिवहन और कृषि को कदम मिलाकर बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए, तभी एक संतुलित और स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम चल सकता है। सेकंड पॉइंट है इसमें आर्थिक उन्नति के सामान्य कार्यक्रम। आर्थिक उन्नति यानी पैसे की उन्नति, आप अच्छे से भली भांति जानते होंगे। आर्थिक उन्नति के सामान्य कार्यक्रम के एक अंक के रूप में कृषि का विकास आवश्यक मानने के लिए कम से कम चार कारण हैं, यानी कृषि का विकास को जानने या मानने के लिए कम से कम जो है चार कारणों को जानना जरूरी है, क्योंकि शहरी उद्योग और उनके कामगारों के लिए कच्चा माल और खाद्य पदार्थ देने के लिए वह जरूरी है, क्योंकि काफ़ी हद तक कच्चा माल जो है कृषि से ही हमें उत्पाद होता है, कृषि से ही हमें मिलता है, ठीक है, इसलिए कृषि को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है इसमें, क्योंकि कृषि पदार्थ के निर्यात द्वारा वह बाहर से जरूरी पूंजी उपकरण मंगवाने के लिए खर्च का एक भाग अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के उन भाग के लिए श्रम मुक्त कर देता है, श्रम यानी कि मेहनत मुक्त वो कर देता है, जो बढ़ रहे उद्योग के उत्पादों के लिए एक मंडी तैयार करता है, ठीक है। जब उद्योग बढ़ते हैं तो शहर भी बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे उद्योग बढ़ता चले जाएगा शहर भी बढ़ेगा, और उसके अंदर कामगारों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कारीगरों की, ठीक है। तो इसके परिणाम जब उद्योग की उत्पादकता बढ़ती है तो उनकी आय भी बढ़ती है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे काम आता रहेगा बंदे बढ़ेंगे, जिसने फैक्ट्री लगाई है उसकी आय भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो उसकी आय भी बढ़ती है। इसी कारण शहरी केंद्रों में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, जैसे जैसे शहर बढ़ते चले जाएंगे, उद्योग बढ़ते चले जाएंगे, आदमियों की तादाद वहाँ ज़्यादा होगी, और उसी तरीके से खाने पीने की चीज़ों की मांग भी वहाँ बढ़ती चली जाएगी। तो खाद्यान्न पदार्थ वही है यहाँ पे, अब किसी से ही खाद्यान्न पदार्थ आएंगे, सबसे मेन रोटी पानी दाल चावल तो मिलना ही चाहिए, तो वो सब तो हमारा खेतों से ही आएगा, ठीक है, बाकी छोले भटूरे वगैरह मिले ना मिले, छोले भी वैसे किसी से ही आते हैं। जब तक कामगारों की मजदूरी अपेक्षाकृत कम ही होती है, तो सामान्य तौर पर यह सच है कि कम वेतन वाले श्रमिक अपनी कमाई का बड़ा भाग खुराक पर खर्च करते हैं, खुराक यानी खाने पीने पर खर्च करते हैं अपने, क्योंकि खाने पीने के लिए तो कमाता है इंसान, क्यों कमाता है, इसलिए जब उनकी आय बढ़ती है तब थोड़े समय तक उनकी बढ़ोतरी का बड़ा भारी हिस्सा अधिक और पहले से ज़्यादा अच्छी खुराक खरीदने पर खर्च किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं 5,000 महीना कमा रहा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं पैसे को कम से कम खर्च करूँगा, अपनी फालतू की चीज़ें नहीं खाऊँगा, नहीं पीऊँगा, सिर्फ वही चीज़ खाऊँगा मैं जो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो मैं अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाऊँगा, तो उसी तरह पे और ज़्यादा अच्छी खुराक खाने के लिए भी खर्च किया जा सकता है, ठीक है।
साथ ही साथ नए निर्माण उद्योग को कच्चा माल चाहिए। जो भी नया निर्माण उद्योग है उसको कच्चा माल चाहिए। इन कच्चे मालों में से कई खेतों से पैदा होंगे, जैसे कि वस्त्र उद्योग खेतों द्वारा पैदा होता है। पैकिंग और डिब्बा बंद करना, ये वो भी हो सकता है, जैसे सेब वगैरह डिब्बे में लकड़ी से जब बंद आते हैं, पेटी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। और वनस्पति तेल जूते चमड़े बनाने की शाखाओं में से है। जूते चमड़े बनाना निर्माण की शाखाओं में से है, जो किसानों द्वारा शहरी विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, किसके किसानों द्वारा शहरी विकास की प्रक्रिया में, क्योंकि चमड़ा जूता किसान तो बनाते नहीं है, ये शहरी विकास की प्रक्रिया में किसी और भी सहयोग दे सकती है, यदि वह देश के निर्यात को बढ़ा सके तो देश का निर्यात को बढ़ा सके तो अवधेश की खेती, अवधेश नहीं है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा यहाँ पे, आप इसको काट ही दीजिए, ठीक है। खेती जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में की जा सकती है। और किस तरह की खेती करनी चाहिए बड़ी मात्रा में पैसा पूंजी कमाने के लिए, तो कॉफ़ी, गेहूं, कोको, खजूर का तेल तथा किसी अन्य, ये तथा आएगा यहाँ पे, ठीक है, आप इसको तथा कर लीजिएगा, तन्य हो गया यहाँ पे, तथा किसी दूसरी वस्तु विदेशों में बिक्री के लिए पैदा कर सकती है, तथा इन वस्तुओं का उत्पादन जो है बढ़ सकता है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली खाई जाती हैं और शहरों तक भी इनकी पहुंच काफ़ी है, ख़ासतौर पे आप कॉफ़ी जैसे ले सकते हैं, ठीक है। और खेती की मुख्य समस्या, कि खेती की मुख्य समस्या क्या थी। कई देशों में आर्थिक विकास को औद्योगिकरण ही समझा जाता है, आर्थिक विकास को औद्योगिकरण ही समझा जाता है, ये लाइन हमने पहले ही पढ़ी थी। किंतु किसी भी सफल आर्थिक विकास कार्यक्रम में खेती का एक आवश्यक अंग के तौर में रहना जरूरी है। यदि खेतीबाड़ी में साथ ही साथ और वैसा ही परिवर्तन ना आए तो औद्योगिक विकास बहुत महंगा होगा। किस तरीके से, वह उन लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा जो उनके लिए तय करते हैं या उनके लिए तय किए गए हैं। जैसे कि आर्थिक विकास की दृष्टि से कम उन्नत देशों में खेती का संबंध रखने वाले दो सवाल हैं, कौन से, आर्थिक विकास की दृष्टि से कम उन्नत देशों में खेती से संबंध रखने वाले दो सवाल हैं। पहला है भूमि वितरण का सुधार, या फिर हम कह सकते हैं भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण, और दूसरा है खेती के उत्पादकता में वृद्धि यानी उसको बढ़ाना, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह दोनों जुड़े हुए हैं, क्या चीज़, भूमि वितरण का सुधार और खेती में उत्पादन, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वाकई में ही निर्भर करता है, क्योंकि दोनों जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इसको कि ये औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर हैं। अधिकांश देशों में भूमि पर काम करने वाले लोग अर्थव्यवस्था के बाहर हैं, वह अपने ज़मींदारों को खेत जोतते हैं, जैसे कि हम पट्टे पर ज़मीन लेते हैं और उसके ऊपर खेती करते हैं, ठीक है। वह अपने ज़मींदारों के खेत जोतते हैं और बदले में भूमि का छोटा सा हिस्सा उन्हें मिल जाता है, या फिर उनको काफ़ी हद तक, जैसे उन्होंने गेहूं बोया तो भूमि के लिए उनको अपने घर खर्च चलाने के लिए गेहूं दे दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, और जो कि उनके पेट भरने के लिए होता है, ठीक है। कुछ देशों में जब और जैसे वह कहे जमींदार, यानी कि जब जमींदार कहे और जैसे जमींदार कहे, उस तरह ज़मीन जोतने और उनको बोने उनके अतिरिक्त उस व्यक्ति का सेवा देने के लिए भी बाध्य होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर ये आता है, दूसरा, वो फर्स्ट ही था पूरा अभी तक, ठीक है। दूसरा आता है खेती समझौते के अधीन विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक उपचार। तो देखिए, वो मैंने इसलिए जानबूझ के बड़ा करवाया है वो, क्योंकि आपका बनता है क्वेश्चन, और जितना आप याद करोगे, आप 6 पेज याद करोगे तब आप 3 पेज लिख पाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ही करवाया है आपको। और सबसे बड़ी शायद वीडियो मेरी यही रहे, इसलिए 2 पार्ट में बनाऊंगा इस वीडियो को मैं, दूसरा पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होने का, 8-10 मिनट का होएगा, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि ये 2 पार्ट देखने पड़ेंगे, बाकी दूसरे जो मैं पार्ट बनाऊंगा वो ऊपर आपको आई बटन में लिंक उसका मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो है आपकी विशेष विभेदक, ठीक है। विशेष विभेदक जो है इसका मीनिंग क्या होता है पहले ही जान लेते हैं। विशेष विभेदक होता है भेदन करने वाला, भेदन मतलब यानी कि भेदभाव करने वाला व्यक्ति या भेदभाव करने वाला कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये होता है विशेष विभेदक।
तो विशेष विभेदक सिद्धांत जिसको हम SND कहते हैं, इसका सिद्धांत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का कुछ विशेष आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकास होना चाहिए। किसके अनुसार? कुछ विशेष आर्थिक परिस्थितियों, यानी कि सारी नहीं, कुछ विशेष आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकास होना चाहिए। WTO और विशेष और विभेदक उपचार के दो मुख्य रूप हैं, उपचार के मुख्य दो रूप हैं। पहला जो है वो है बाजार पहुंच की संभावना। बाजार पहुंच की संभावना पहला रूप है इसका, जिसमें विकासशील देशों की वस्तुओं को विकसित देशों के बाजार में पहुंचने के लिए वरीयता, यानी कि वरीयता का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ही विशेष विभेदक उपचार की मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा जो है इसका विभेदक यानी भेदभाव करने वाला दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो है व्यापार नियमों सिद्धांतों के विशेष प्रतिबद्धताओं के अलावा विकासशील देशों को इन बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन हेतु छूट दी जा सकती है। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं इसके, करवा दिए हैं मैंने आपको क्लियर। तो देखिए, ये मैंने बताया था आपको उर्गे वार्ता काफ़ी ज़्यादा आता है क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा बार इसका मैं जिक्र करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, अब भी देखिए आगे भी आएगा, और ये भी तो उर्गे वार्ता में विशेष एक विभेदक सिद्धांत यह भी प्रावधान करवाता है कि बहुपक्षीय समझौते के तहत विकासशील देशों को इन नीतियों के सतत कार्यान्वयन हेतु हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। सतत वो होता है जो आज की ज़रूरतों को रखते हुए आने वाले भविष्य के लिए भी चीज़ें बचाई जा सकें, उसको हम सतत कहते हैं। ठीक है, सतत विकास। तो हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। खेती पर जो है WTO समझौता यह प्रावधान का आता है कि विकासशील देशों को विशेष और विभेदक सिद्धांत के तहत अनेक रास्ते हैं, यानी कि WTO समझौता यह कहता है कि विकासशील देशों को, यानी कि विकासशील देशों का विशेष और विभेदक सिद्धांत के तहत अनेक रास्ते हैं, जैसे वह वर्तमान सीमा शुल्क में सुरक्षा और स्वयं निर्धारित सीमा के अधीन अपने प्रशुल्क को निर्धारित कर सके और इन्हें अपने प्रशुल्कों में कटौती हेतु लंबी सीमा समय सीमा दी जाए, जैसे कि कार्यान्वयन हेतु लचीलेपन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि WTO समझौते के अंदर मतलब एक चीज़ यह भी कह जाती है कि विकासशील देश और जो कि विभेदक सिद्धांत, इन दोनों के अनेक रास्ते हैं, इन दोनों के काफ़ी रास्ते हैं, ऐसा WTO कहता है। ठीक है, जैसा कि वर्तमान सीमा शुल्क में, सीमा शुल्क वो होगा आपका जैसे कि कोई लाइन है उसके टैक्स वगैरह में, सीमा शुल्क में सुरक्षा और स्वयं निर्धारित सीमा के अधीन, खुद की जो निर्धारित सीमा है उसके अधीन प्रशुल्क स्तर को निर्धारित कर सके। ठीक है, उन दोनों के बीच को प्रशुल्क स्तर को निर्धारित कर सके तथा इन्हें अपने प्रशुल्कों में कटौती लंबी हेतु, कटौती हेतु जिसमें लंबे समय दिया जाए। ठीक है, और ये लचीलेपन का इनका प्रावधान किया गया है, परंतु कुछ विकासशील देश खेती संधि में दिए गए लचीलेपन को प्राप्त नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह खाद्यान्न सुरक्षा हेतु, खाद्यान्न मतलब खाने पीने की चीज़ें, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु घरेलू खाद्यान्न उत्पादन का समर्थन एवं संरक्षण, जीवन यापन सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के अन्य कारकों के साथ ही उत्पादकों उपभोक्ता को वैश्विक मूल्य तथा आयात प्रवाह से संरक्षण दे सके। और उनका यह भी कहना है कि वर्तमान संधि जो है वो बिल्कुल असमान है, बिल्कुल भी समान नहीं है, संधि यानी वार्ता। ठीक है, वर्तमान संधि जो है बिल्कुल असमान है और अनुशासन संबंधी नियम विकासशील देशों पर कठोरता से लागू किए जाते हैं। इसके अनुशासन जो है ना, वो नियम जो है उनके काफ़ी विकासशील देशों पर कठोरता से लागू किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जबकि विकसित देशों के प्रति उनका रवैया जो है नरम होता है। उदाहरण जरा खा इसके अंदर, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं भी। यहाँ पे क्या रखा है कि विकसित देशों के प्रति उनका जो रवैया है वो काफ़ी नरम है। ठीक है, काफ़ी ईजी रहते हैं उनका, नरम आप समझते ही हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि कुछ विकासशील
देशों द्वारा अपने किसानों को घरेलू सब्सिडी देने के लिए इन संधि के अधीन व्यापार में समर्थन में भविष्य किए जाने वाले व्यापार को सीमित कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सब्सिडी वाली जो बात बताई थी मैंने आपको अभी, कि विकसित देश तो अपने किसानों को सब्सिडी मुहैया करा देते हैं और विकासशील देश जो हैं वो अपने किसानों को सब्सिडी देने के लिए अधीन नहीं होते, वो अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देते और ना ही भविष्य में उनके व्यापार को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, कि वो सब्सिडी दे के भविष्य में द्वारा अच्छा या ज़्यादा व्यापार कर सकें, खेती ज़्यादा कर सकें। ठीक है, जबकि उद्देश्य इनका यह था कि विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों द्वारा अधिक मात्रा में प्रशुल्कों में कटौती की जाए। यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि विकासशील देश जो हैं उनके मुकाबले विकसित देशों द्वारा, यानी कि विकसित देशों द्वारा अधिक मात्रा में प्रशुल्क की कटौती की जाए। यानी कि विकसित देश को छोड़ के विकासशील देश जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा कटौती की जाए प्रशुल्कों में, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगे, जो इनकी गिनती में आते हैं खासतौर पर उनके पत्र लगे ही ना या कम से कम लगाया जाए, ये सब चीज़ें इनके अंदर शामिल की गई थी। ठीक है, अल्प विकसित देशों द्वारा किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, अल्प विकसित देश जो हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, और एक पॉइंट है इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उद्योग और सेवाएं, इसमें हमें सेवाएं जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो वही है आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें उद्योग और सेवाएं हैं। ठीक है, तो देखिए हाल के कुछ वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में विशेषकर जो है संचार और परिवहन के क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, वृद्धि के कारण पूरे विश्व में जो है विकासशील प्रक्रिया तीव्र हुई थी, यानी विकासशील प्रक्रिया पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैली और उसने अपने पैर काफ़ी जल्दी जमा लिए। ठीक है, वैश्वीकरण का उद्योग पर कई लाभकारी परिणाम हुआ है। वैश्वीकरण का उद्योग को पता सबसे ज़्यादा लाभकारी परिणाम हुआ है और ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जिससे उद्योग में व्यापार प्रक्रिया का आउटसोर्सिंग मुख्य बिजनेस, आउटसोर्सिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर में काफ़ी बार बनना है, और पूंजीवाद भी आपका बनना है, पूंजीवाद में पूंजी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, वो भी आपका 10 नंबर बन जाता है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आउटसोर्सिंग मुख्य बिजनेस, प्रोसेसर आउटसोर्सिंग, पेट्रोलियम तथा विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विदेश निवेश हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के कारण FDI, यानी कि FDI भी हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, याद हो आपको, FDI आने के कारण अर्थव्यवस्था में गति भी दूर हो जाती है। ठीक है, वैश्वीकरण का एक लाभ यह भी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो घरेलू अर्थव्यवस्था में उद्योग की स्थापना करती हैं। ठीक है, जो देशों के लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है, मैंने ऊपर बता दिया आपको पहले ही सब चीज़ें वाली। ठीक है, इससे देश में गरीबी तथा रोजगारी के स्तर में कमी आएगी, जाहिर सी बात है जब व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी। ठीक है, उद्योग में वैश्वीकरण का एक लाभ यह भी है कि विदेशी कंपनियां अपने साथ अत्यंत उच्च तकनीक लाती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ भारत में नहीं है विदेश से कोई कंपनी आती है तो वो तकनीक को भी अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि उसे अपने उद्योग में वो चीज़ चाहिए। ठीक है, इसलिए तो इससे वो नई तकनीक भी लाती है जो घरेलू उद्योग को तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में मदद करता है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो बची है बस। सेवाएं एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य आर्थिक इकाई अथवा अन्य आर्थिक इकाई से संबंधित उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करता है। यहाँ सेवा है, यहाँ सेवा होएगा, इसको काट दीजिएगा आप। ठीक है, सेवा कर दीजिएगा इसको, मैं अभी कर देता हूँ अभी। सेवाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है का होएगा। ठीक है, सेवाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संस्थानों द्वारा सेवा दिए जाने से पहले, सेवा क्या होती है, किसी का काम करना ही सेवा होती है। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अब मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं उसमें अपनी सेवा दे रहा हूँ, वो मेरे को क्या दे रहे हैं बदले में, पैसा दे रहे हैं, पूंजी दे रहे हैं। ठीक है, तो यह चीज़ हमारी सेवा होती है। ठीक है, सेवाओं को एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संस्थान द्वारा सेवा दिए जाने से पहले उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध बन जाते हैं, इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक।
उपभोक्ता काम करने वाला और उत्पादक जो उसको बना रहा है, उत्पाद कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। यह स्थापत्य से लेकर वॉइस मेल तक के दूरसंचार से लेकर हवाई परिवहन तक सेवाएं विकसित और विकासशील देशों दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में अत्यंत गतिशील इकाई के रूप में उपलब्ध कराता है। यहाँ पर फिर सिवाय आ गया, सेवाएं होगा, ठीक है। सेवाएं अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन उत्पादन के लागत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम बात करते हैं उर्दू की व्यापार, उर्दू नहीं होगा यहाँ पे, वो ये होगा, एक मिनट जरा, हाँ उर्गे बात तो होगा वहाँ पे उर्दू नहीं होगा, गलत हो गया वो, ठीक है। मैं इसको काट देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उर्गेव की वार्ता व्यापार वार्ता के दौरान इसे शामिल किया जाने के फलस्वरूप सेवा व्यापार में समझौता संभव हुआ, जो कि जनवरी 2000 से यह है कि विपक्ष या व्यापार वार्ता का विषय बन गया है, ठीक है। और वर्तमान में कुछ वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% से अधिक भाग जो है सेवाओं से आता है, जबकि यह कुल व्यापार से उत्पन्न रोजगार का 20% भाग ही रखता है। कई सेवाएं जो लंबे समय तक विशुद्ध रूप से घरेलू कार्यकलाप मानी जाती थी, अब जो है वो तीव्र गति से अंतर्राष्ट्रीय संरचना मतलब होता है आपकी फैलना, ठीक है, यानी फैलना या फैलाव की सेवाएं हो गई हैं, ठीक है। ये तो हमारी, देखिए, नमस्ते नमस्कार, ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको उसमें देखिए आउटसोर्सिंग मिलेगा, ठीक है, और वित्तीय वैश्वीकरण मिलेगा और पूंजी नियंत्रण, और उसके बाद आपकी बुक ख़त्म होती है। और बाकी मैं BA थर्ड ईयर की एजुकेशन की बुक भी करवा रहा हूँ, उसके मैंने एक ही चैप्टर करवाया फ़िलहाल, और बाकी मैं चैप्टर जल्दी बना रहा हूँ, उनका ब्लू प्रिंट मैंने तैयार कर दिया है वैसे तो, ठीक है। उनको देखना हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट में विजिट करने की ज़रूरत है, आप प्ले लिस्ट को खोलिए, प्ले लिस्ट में आपको बिल्कुल सीरियस वाइज हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, और कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।